वो कह रही है आप कह रहे हो कि मेरी शादी होगी, मैं अब मुझे घर यहाँ से चेंज करूंगा हैं? अरे वो तो मैं ऐसे ही बोल रहा था, शादी भी हो गई है तो फिर मेहमान भी आते हैं, आप लोग जैसे आए हो, अब अगर निदान नहीं, नेहा को तो आपने पता नहीं किस तरीके से बोला, वो कहती है भाई बोल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और अभी इस वक्त ना शाम का टाइम हो रहा है और आप लोगों को तो पता ही है कि मेरे कराची में रह गए हैं गिनती के 2 से 3 दिन रह गए, और 2 से 3 दिन हम चाह रहे हैं हम जितना इंजॉय कर सकते हैं ना भाभी के साथ उतना कर लें, क्योंकि इसके बाद तो पता नहीं मैं कराची कब आऊँगी और पता नहीं भाई भाभी और हमारे घर कब आएंगे, यानी किसी का कोई नहीं पता है। लेकिन ये कि 2-3 दिन जो रह गए ना मेरे कराची में, हमने कहा इंजॉय कर लें अच्छे से। तो आज का हमारा प्लान था पिकनिक का, हमने कहा भाई कहीं पे पिकनिक पे चलते हैं, और जाने से पहले ना हम अपने जो खाना पीना है ना वो सब कुछ अपना बना के करके जाएं। तो अभी जो कि शाम का टाइम हो रहा है, अभी हम खाने की तैयारी कर रहे हैं। हमने ये सोचा था कि हम ना साथ में, हमारे ना बहुत बड़ा पार्क है अच्छा, तो हमने कहा वहाँ पे चलेंगे पिकनिक के लिए, पिकनिक की पिकनिक हो जाएगी, घूम भी लेंगे। और ये है कि वैसे ना बहुत दूर दूर जाके ना हम थक गए, हमने कहा भाई साथ है जल्दी जाएंगे, 2-3 घंटे घूमने फिरने के जो लगेंगे लगेंगे और वापस आ जाएंगे, बच्चे भी खुश हम भी खुश, झूले भी झूल लेंगे, और साथ साथ जो और साथ साथ ये कि जो भी हम बनाएंगे या तो खा के चल जाएंगे या फिर साथ ले जाएंगे वहाँ पे, भाई बैठ के ना अपने जो है सुकून से खाएंगे। पार्क होता है ना, पार्क में तो वैसे भी काफ़ी सारी जगह होती है, वहाँ पे बैठ के खाएंगे। तो ये तो पता नहीं कि यहाँ खाना है वहाँ खाना है, लेकिन ये कि अभी खाने की तैयारी हो रही है, जो कि आज हम लोग बनाने लगे हैं दाल और चिकन के कबाब, शामी कबाब हम लोग बना रहे हैं और लगभग बन जाएंगे अभी थोड़ी सी देर में, आधा घंटा और लगेगा। मसाला बन गया, रेडी हो, मसाला उबल गया था और रेडी हो रहा है। लगभग ये कि आधे घंटे 1.5 घंटे में हमारा खाना रेडी हो जाएगा। मसाला तो हमने बना लिया था, अभी ये कि कबाब बनाने, जो शामी कबाब की गोल गोल टिक्कियाँ होती है ना वो बनानी है, तो अभी हम सब मिलके ना अंदर वही बना रहे थे। और यहाँ पे हमने गैस ऑन कर दी क्योंकि असल में गैस जाने का टाइम हो गया, अगर हमने मशीन बंद कर दिया तो फिर गैस ऑटोमेटिकली बंद हो जानी है, तो इसीलिए ना हमने गैस ऑन की हुई। और यहाँ पे भाई अंदर चल रही है खाने की तैयारी। क्या क्या बोल रही थी? अच्छा हाँ, तो यहाँ पे भाई खाने की तैयारी चल रही है, भाई काट पीट के तो मैंने दे दिया था, मैंने कहा नेहा आप जल्दी से इसको मिक्स करो। हाँ मिलजुल के कर रहे ना, मिक्स कर लिया और फिर इसकी एक गोल गोल टिक्कियाँ बनानी है, तो वो ये कि हम सब मिल के बनाएंगे ताकि जल्दी से बन जाए, जल्दी से बनेगा तो फिर हम लोग जल्दी से रवाना होंगे ना। अभी तो हमने किसी ने भी तैयारी नहीं की ना, नेहा ने ना भाभी ने, वो तो अभी कोई पता नहीं लेके जाना या खा के जाना है, बन तो जाए पहले। हाँ ये भी सही होता है, खा के जाए ना इजी हो के वहाँ पे, बस घूमना फिरना झूले झूलना और वापस आना। वैसे भी इसको देख देख के भूख लग रही है। ओह भूख लग रही है इसको देख देख के, असल में पहले चख चुके हैं ना ये थोड़ा सा। हाँ हमने तो अभी तक चखा ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं कैसे जायका इसका भी। मैंने भी चख लिया है अभी नमक के लिए। हाँ चख लिया है, चलो सही है। अभी तो ये कि हम लोग तैयारी करनी है, खाना बनाएंगे पहले, फिर ये कि हम सब लोग तैयारी करेंगे। मैंने भी तैयारी करनी है तो मैं भी तैयारी करूंगी, अभी कपड़े प्रेस भी करने, 6 बजे लाइट चली जानी है, तो जब तक ये कि मसाला बना रही है तब तक हम लोग कपड़े भी प्रेस कर लेते हैं, और फिर ताकि ना खाने के साथ साथ ना हमारी तैयारी भी हो जाएगी और खाना खा के फौरन हम लोग रवाना हो जाएंगे। फाइनली यहाँ पे ना हम लोगों ने कबाब बना लिए हैं, जो कि हम तीनों की तीनों इकट्ठे बनाए थे, एक मैंने बनाए, ये वाले भाभी ने बनाए, और ये वाले जो है ना ये मिक्सचर है, कुछ मैंने बनाए थे कुछ भाभी ने बनाए थे। और यहाँ पे ना जो कि आपको पता है न्यू कप पीले, कुछ ना कुछ तो इनका चलता रहता है, तो भाभी ने एक दिल बनाया था तो भाई ने उनको यानी खुश करने के लिए ना दूसरा दिल बना दिया। भाई भाभी ने कहा कि भाई हम तो दोनों दिल फ्राई कर खाएंगे, तो हमने कहा चलें ठीक है, तो दोनों दिल उन्होंने बनाए। तो अभी यहाँ पे ना मैं कबाब फ्राई करने लगी हूँ, जो कि सिलेंडर पे मैंने रख दिया है तवा, मैंने कहा कि ना यहाँ पे फ्राई करती हूँ, ऊपर तो भाई गैस चलेगी, ये रोटियाँ भी बाहर से हम लोगों ने बोला कि भाई आप ले आए, तो भाई रोटियाँ ले लेंगे, तब तक मैं ये वाले कबाब जो है ना सारे यहाँ पे फ्राई कर लेती हूँ। और यहाँ पे ना भाभी जी यहाँ पे बैठ के रायता बना रही है, और नेहा के जिम्मे हमने लगा दिए बच्चे, हमने कहा भाई नेहा बच्चों को संभाल, ये देखो उसके भाई बाथरूम बंद हो गया, वो रोना शुरू हो गया, और वहाँ पे नेहा और हानिया मस्तियाँ, हाँ वो बच्चे बच्ची बन जाती है। हाँ ये देखें, तो चलो भाई यहाँ पे तो ये खेलते रहेंगे, इनको खेलने देते हैं, और हमें जो है यहाँ पे तवा गर्म हो चुका है, तो जल्दी से अपने कबाब फ्राई कर लेती हूँ। तो भाई यहाँ पे ना फाइनली हमारे कबाब जो भाई यहाँ पे ना फाइनली हमारे शामी कबाब रेडी हो चुके हैं, और रायता भी भाभी ने बना लिया था, साथ में ये रोटियाँ हमने मंगवाई हैं चपातियाँ बाहर से, और अभी ना सबके सब यहाँ पे बैठ रहे हैं, बच्चे आ गए, मैं बैठ गई, और बाकियों का इंतजार हो रहा है, मेरे मियाँ जी भी आ गए। क्या बनाया भैया आज, दिखाओ। आज मैंने बनाए शामी कबाब, हम सब ने ही बनाए, मैंने कहा बनाए सबने बनाए, बाकी आप डिटेच करके बताना है, इंशाल्लाह। नेहा भी आ गई, भाई भाभी नहीं बुलाई, आ रहे वो भी आ रहे, चलो भाई शुरू करो, आप शुरू करो जब तक वो भी आ जाएंगे। कैसा है ये, किसने बनाया? सबने ही मिलजुल के बनाया है,
किसी एक का नाम नहीं है। बहुत अच्छे चले जी, थैंक यू। फिर फाइनली हम सब रेडी हो चुके हैं और अपना रेडी होके हम लोग जा रहे हैं पार्क, जो कि आप लोगों को हमें बताया था कि हमने एक छोटी सी भी पिकनिक भी हो जाएगी हमारी, और साथ साथ ये कि हम बाहर घूम फिर के भी आ जाएंगे और बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो अभी ना सब रेडी हो गए हैं, क्योंकि भाई अंदर अपना रूम ले गया था और लाइट वगैरह ले गई ना, तो वो ऑफ करने गया है। जैसे ही वो आते हैं ना बस लॉक लगाते हैं और चलते हैं। बाकी यहाँ पे सब रेडी हो चुके हैं, नेहा हो गई है, बच्चे हो गए, साथ में भाभी भी हो गई है। भाई सबका वेट करें, भाभी तो नज़र ही नहीं आ रही है अंधेरे में। भाभी का बुरखा कुछ ऐसा है वो नज़र नहीं आ रहा। हाँ भाई अभी ना अंधेरा भी बहुत ज़्यादा हो गया, टाइम असल में ज़्यादा हो गया ना, 8 बजे का टाइम हो रहा है और हम लोग अभी जा रहे हैं। ये देखें कितना अंधेरा हो रहा है। तो भाई अभी हम लोग चल रहे हैं सामने चौक की तरफ, जो कि चौक से रिक्शे मिल रहे हैं, और हमारी फैमिली भी माशाल्लाह से ज़्यादा है, तो 2 रिक्शे हम लोगों ने करवाने हैं, तो जल्दी से सामने से रिक्शा करवाते हैं और सीधे पार्क चलते हैं। 10 मिनट के सफ़र के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे पार्क, और अंदर ना वैसे ये बहुत बड़ा पार्क है और लाइटें भी काफ़ी ज़्यादा है। ये देखे भाई नेहा अभी आ गई, काफ़ी वेट कर रहे थे हम अभी, हमने कहा अभी आ जाओगे तुम, दूसरे रास्ते से आए हो। हम दूसरे रास्ते से आए, हाँ रास्ता चाहिए था वही, हमने रास्ते में कहीं पर भी नहीं देखा। तो यहाँ पर ना भाई भाभी और नेहा भी आ चुके हैं, तो यहाँ से जल्दी से टिकट्स लेते हैं और फिर पार्क के अंदर चलते हैं, और इतने सारे यहाँ पे झूले हैं ना, बहुत सारे इन्जॉय भी करते हैं जी। टिकट्स लेनी पड़ेंगी, वो टिकट जा रहे हैं वहाँ से। हाँ हम लोग यहीं खड़े हैं, आप लेके आ जाओ भाई। पार्क के अंदर हम जैसे इंटर हुए ना, बच्चों ने यहाँ पे झूले देख लिए, और आते ही ना भाई इन्होंने कहते हैं वाओ सुहान। अभी इंटर हुए कसम से, ये सामने दरवाजा है, हाँ। यहीं पे झूले बच्चों, पहले पूरा पार्क घूम लो फिर यहाँ पे, इससे भी जो है ना अच्छे अच्छे झूले हैं बहुत ज्यादा। वो देखो इतना बड़ा सा झूला है, और इसके अलावा चलो बड़े तो छोड़ो, वहाँ पे वो देखो जहाज वाले हैं, और उस साइड पे भी बहुत सारे हैं। चलो और चले, सारे बच्चों के पहले देखो। तो भाई यहाँ पे ना सबसे पहला झूला हम सुहान को झुला रहे हैं गाड़ी में, एक गाड़ी में बिठा दिया है सुहान को, और वहाँ पे भाई दूसरी में बैठने गई है हानिया, वहाँ पे बैठ जाएगी हानिया। तो भाई दोनों बहन भाई अभी ना पूरे पार्क की सैर करके आएंगे, बैठो हानिया। ये देखो भाई शानू हमारा बैठ गया, खुश हो रहा है, कितना खुश हो रहे हो शानू, मजा आ रहा है, गुड बोलो, बैठो हानिया। ये देखें यहाँ पे हानिया भी बैठी है अपनी गाड़ी में, आ जाओ ठीक है हानिया, आराम से जाना। ये देखें यहाँ पे हो चुके दोनों बच्चों की गाड़ी रवाना, हानिया सुहान दोनों रवाना हो गई है। बच्चा ये असल में खुद से चलाने लग जाता है, तो इसलिए टेढ़ी मेढ़ी घूम जाती है, खुश हो रहे हैं। नहीं वो कह रही खुद से चलाने लग जाता है, वो खुद घुमा लेता है, वो गाड़ी उधर चल जाती है। वो कह रहे खुद चलाऊं, ये देखें आनी आगे आगे चल गई, शानू पीछे रह गया, क्या पी रहे हैं, सर्दी लग गई है। ये देखे भाई इनको लग गई है सर्दी, और यहाँ से गर्मा गर्म कॉफी लेके पी रहे हैं, चाय नहीं है, नहीं चाय है, चाय है। चलें भाई सर्दी लग गई आपको, तो भाई मेरा जो है ना वो गला खराब हो रहा था एक्चुअली, तो मैंने सोचा पी लूं। चलो सही है, कैसी है, मजे की है, चलो ठीक है आप पी लो। यहाँ पे देखे सुहान बैठ गई है अपनी, इसको क्या बोलते हैं, बैलगाड़ी, और ये है जी मोटरसाइकिल, दोनों बैठ गए, झूला झूल रहे हैं, वाओ बैठ के बेटा बैठ के दोनों एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे और भी टोकन हमारे हाथ में है, नेहा के पास भी टोकन है, जो कि यहाँ पे लाइन लगी है भाई, इनको भी और भी झुलाएंगे ठीक है। मुझे लग रहा है एक झूला आपको ही झूल लेना चाहिए, आ जाओ इसमें से बैठ जाओ। यहाँ पे भाई भाभी भी, आप दोनों झूलोगे ना, 2 ये हो गए 2 हम हो गए, चारों, हाँ बिल्कुल वही ना, झूले झूलते हैं, बच्चों को वहाँ बस छोड़ दिया हमने। अभी काफ़ी देर हो चुकी थी हमें पार्क में आए हुए, और अभी हम लोग वापस जाने लगे। हानिया और सुहान ने ना अपने अपने लिए खिलौने भी ले लिए हैं, क्योंकि सुहान ने लिया है छोटा सा सेल फोन, और हानिया ने भी अपना ही कुछ गुड़िया वाला सामान लिया है। तो अभी हम लोग पार्क से बाहर निकलते हैं और जल्दी से ना रिक्शा करवाते हैं और घर चलते हैं, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, मेरे ख्याल में 9:30-10 बजे तो बजने वाले होंगे, और बस घर जाके ना रेस्ट करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक गए। ये देखें नेहा चली गई है बाहर, और मैं बच्चों को लेके जा रही हूँ, इसलिए स्लो स्लो चल रही हूँ, फिरोज़ भी आ चुके हैं बाहर, चलें रिक्शे करवा लो चलते हैं। भाई सुबह का टाइम हो गया और नेहा ना यहाँ पे बैठी है थोड़ा सा मुंह बना के, पता नहीं भाई ने क्या बात की है, तो भाई से पूछते हैं कि भी भाई ने क्या बात की, भाई अभी ना अपने रूम में, तो चलते हैं भाई से पूछते हैं कि भाई ने क्या बोला नेहा को ऐसा। हाँ भाई क्या बोला है, तो कुछ भी नहीं बोला,
वो थोड़ी सी बस जो सुबह से मैं आई हूँ ना, तो मैं सुबह सुबह आ जाती हूँ, तो वो ना थोड़ा सा सैड होके बैठी। कुछ तो बोला है आपने, वो कह रही है आप कह रहे हो कि मेरी शादी होगी, मैं अब जो घर यहाँ से चेंज करूँगा हैं। अरे वो तो मैं ऐसे ही बोल रहा था। नहीं ऐसे ही अब क्या मतलब, क्या इनकी शादी होगी तो आप बहन को और अब्बू को छोड़ दोगे? नहीं ऐसा तो बोला मैंने, मेरा कहने का मकसद ये था कि अब जैसे कि शादी भी हो गई है तो फिर मेहमान भी आते हैं, आप लोग जैसे आए हो, अब अगर निदान नहीं नेहा को तो आपने पता नहीं किस तरीके से बोला, वो कहती है भाई बोल रहा है कि अब तो देखो मेरी शादी होगी है तो मैं तो भाई यहाँ से घर चेंज करूंगा, तो आप लोग अलग हो जाओगे हम अलग हो जाएंगे इस तरह से। नहीं नहीं वो छोटी है, उसको तो मैं ऐसे ही मजाक में बोल रहा था, उसने अच्छा। सीरियस समझ लिया होगा, लेकिन जब भी चेंज करेंगे तो सारे ही चेंज करेंगे, सब एक ही जगह पे रहेंगे, बड़े घर में कहीं पे भी लें जहाँ पे भी। तो यानी आपका इरादा यही था? हाँ यही इरादा था मेरा, वैसे तो मैं उसको मजाक में कह रहा था कि मैं अलग हो जाऊंगा तुम लोग अलग हो जाओ। देख लो छेड़ रहे थे और नेहा बेचारी सैड होके बैठ गई कि मेरा भाई है एक भाभी है तो वो भी चल जाएंगी तो मैं अकेली रह जाऊंगी। मजाक चलता रहता है। हाँ मजाक कर लो, लेकिन ना फिर थोड़ी देर में वो बता भी दिया करो कि हाँ भी मजाक था। हाँ। अब वो बैठी मुंह बना के जाके उसको बोलो कि भाई मैं मजाक कर रहा था भाई, अब ये कह रहा है कि हमने घर लेना है। हाँ। पूरी फैमिली के लिए, सभी सबके लिए ही लेना है, एक ही घर में रहेंगे, अलग तो मेरा कभी भी नहीं होता। नहीं अच्छी बात है ना, अलग क्यों रहो, देखो ना फैमिली के साथ बहुत ही सपोर्ट होती है। और क्या, अभी आप बाहर चले जाते हो भाभी अकेली तो नहीं होती ना, कम से कम नेहा साथ होती है, बोरियत नहीं होती, दोनों की दोनों इकट्ठी होती है, सही है, सुकून होता है, आसानी होती है, बंदा कहीं चले जाए तो पीछे घर पे और कोई होता भी है। चलो सही है, अभी फिर कर लो आप रेस्ट, कर लो रेस्ट कर रहे थे, मैंने कहा इससे चलो पूछ लूँ इसने बोला क्या है, तो ये कि नेहा बेचारी को थोड़ी सी गलत फहमी हो गई थी तो उसको भी चलते बता देते हैं, उसकी गलत फहमी दूर करते हैं और बाकी ब्लॉग ना यहीं पे एंड करते हैं। बस ये है कि मैंने कहा इनके माइंड में अगर ऐसी बात है भी ना तो भाई फिनिश हो जाए, लेकिन ये कि ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी ये कि इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।